अखाड़ा में आज बात नागरिकता कानून को लेकर हुए बवाल की। नागरिकता कानून पर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हंगामा मचा हुआ है। कहीं तोड़फोड़ की गई है तो कहीं आगजनी, जगह जगह सड़कों पर बवाल भी हो रहा है। लेकिन दिल्ली के जिस जामिया मिलिया में हिंसा के मामले में नेतूल पकड़ा, धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आ रही है। जामिया में हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कोई भी छात्र नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 घोषित बदमाश हैं। ये सभी जामिया और ओखला इलाके के रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी छात्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अब तक छात्रों को क्लीन चिट नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा के सिलसिले में 2 FIR दर्ज की थी। बीते रविवार को उपद्रवियों ने 3 बसों और कुछ दूसरी गाड़ियों को फूंक दिया। इतना ही नहीं, आग बुझाने आई दमकल की 4 गाड़ियों में से 1 को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में पुलिस के 10 और दमकल के 2 कर्मचारी भी जख्मी हुए। पुलिस की ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि उनके कम से कम 30 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया था सोमवार को। पुलिस को शक है कि जामिया के आई कार्ड बनवाकर, जी हां, जामिया के आई कार्ड बनवाकर कुछ लोग प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे। असली स्टूडेंट से ज्यादा हिंसा भड़काने में इन फर्जी छात्रों का हाथ था। पुलिस ने देश भर में जारी हंगामे में विदेशी ताकतों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया है। पुलिस बवाल में विदेशी दखल की भी जांच कर रही है। कुमार ज्ञाने सर हमारे साथ हैं। सर, अब तक क्या जांच में आया है, किस तरह से घटना हुई थी? जैसा हुआ है, वॉयलेंस के नेचर को देखते हुए, वॉयलेंस के नेचर में तैयारी तो ज़रूर थी। गीले कंबल का इस्तेमाल, पेट्रोल बम का इस्तेमाल, इससे तो ज़रूर लगता है कि है। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर जब होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको लगता है प्लानिंग के तहत दिया हुआ है, जिस तरह से गीले कंबल अगर आए थे? ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं जो स्पॉट पे नहीं मिल सकती, उसकी तैयारी तो हुई थी और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। जो गीले कंबल लाए थे, इससे लग रहा है सर सुनियोजित तरीके से सर इस हिंसा को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, गीला कंबल तो अपने आप में दर्शाता है ना कि नॉर्मली तो कोई कैरी करता नहीं है, उसे लगता है कि इनकी प्रिपरेशन पहले से। देश भर में, मतलब सिर्फ जामिया में नहीं, अलीगढ़ में, हैदराबाद में, हर जगह वो एक प्रकार का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और ये नैरेटिव इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। एक वोट बैंक की राजनीति चलते मुसलमानों को डराया जा रहा है। सच ये है, मैंने सिसोदिया ने, उनके विधायक खान, अमितुल्लाह खान ने लोगों को भड़काया, गलत ट्वीट किए। रागनी नायक ने कल रात को कहा कि एक एक बच्चे की डेथ हो गई है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जबकि अभी तक कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने यहाँ दंगा भड़कने दिया, भड़कवाया और आगे चलने दिया। तो ये एक पूरे देश में, और लेफ्ट पार्टी इसके विरोध में खड़ी हैं। देश भर में अलग अलग जगह पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स हैं जो इस पर नजर बनाए हुए हैं। नागरिकता कानून से विरोध के विरोध से जुड़ी या तमाम खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, जामिया से जावेद मंसूरी हैं और दिल्ली से ही अनुराग ढांडा भी हैं। अनुराग, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगा। कई सारे पहलू अब निकल कर आ रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन आगे तूल पकड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि ये उपद्रवी तत्व बाहर से आए थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जामिया के कुछ स्टूडेंट्स को पता था कि ये उपद्रवी तत्व कौन है। ऐसा क्यों है कि जामिया के स्टूडेंट फैकल्टी में से या जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी बढ़कर आगे नहीं आया कि हम तैयार हैं इन लोगों की शिनाख्त करने के लिए जिन्होंने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब किया और हिंसा को आवाज दी? देखिए, बिल्कुल, ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब जिस तरीके से कल स्टूडेंट्स से बात भी हुई वहां पर, जामिया के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी लगातार ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ बाहर के तत्व जो थे वो शामिल हो गए, जिन्होंने कि ये जो हंगामा था ये पूरा मचाया, और पुलिस भी यही बात कह रही है। तो ये कम से कम कोइंसाइड करते हैं दोनों व्यूज इस पे, स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं। और कल जब प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट्स की टीम पूरी इस चीज के लिए बनाई गई थी कि जो बाहर के लोग हैं वो स्टूडेंट्स में शामिल ना हो पाए, वो घेरा बनाकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कल इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग रहा और दूसरे जो बाहर के लोग शामिल होने के लिए आ रहे थे उनको रोक दिया गया, उनको शामिल नहीं होने दिया गया स्टूडेंट्स में। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मान रहे थे कि ये चूक हुई कि बाहर के लोग शामिल हुए, और पुलिस अब इस बात
बात की तस्दीक कर रही है कि बाहर के लोग थे और 10 ऐसे लोग चिन्हित कर भी लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। अब तक किसी स्टूडेंट को सीधे इन्वॉल्व नहीं पाया गया, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया है पुलिस ने इस पूरे मामले को। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद है, यहां पर भी इसी मामले को लेकर फिलहाल हियरिंग चल रही है और स्टूडेंट्स के वकील और पुलिस अपना पक्ष यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के वकीलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्यों ना सब जगह पर अलग अलग इंसिडेंट जहां हुए हैं आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को सीधे क्यों सुनवाई करनी चाहिए। जी अनुराग, मैं आपकी ओर रुक करता हूं, जरा जामिया चलते हैं, जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, अभी भी वहां प्रोटेस्ट जारी है, क्या कुछ स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि क्यों कोई आगे बढ़कर नहीं आया उन लोगों की शिनाख्त करने के लिए जो उपद्रवी थे, जो बाहर से आए थे? देखिए अभी हम जामिया के बाहर मौजूद है, मैं वो सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से अभी भी जो छात्र हैं, जो स्थानीय प्रोटेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर छात्रों के समर्थन में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ छात्र हमारे साथ हैं, आप बताइए जो उस दिन हुआ था, पुलिस कह रही है कि 10 लोगों को अरेस्ट किया है, वो जामिया के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उनकी शिनाख्त के लिए स्टूडेंट बाहर क्यों नहीं आए? सर, जो जितना भी पुलिस ने जो उस दिन बर्बरता की थी, सर उस टाइम में लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था, और सर मैं एक हिंदू स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदू है, जो बाहर के द्वारा किया जा रहा है कि जामिया मिल्ले इस्लामी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कंडेम किया जा रहा है, दैट इज सर ये गलत है, सरासरी गलत है। बहुत सारे, क्या नाम है आपका ये बताइए? सर मेरा नाम शिव भगवान है। शिव भगवान, ये बताइए कि जब क्या ये जामिया में पढ़ते हैं, जरा पूछिए जावेद इनसे। कैंपस में पुलिस घुसी, लेकिन ये पुलिस कह रही है कि यहाँ पर ये पुलिस कह रही थी, उन्होंने वीडियो जारी किया कि हमने आगाह किया था स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ है, स्टाफ से बात हो रही, उसके बावजूद यहाँ पर नहीं। नहीं सर, जो पुलिस जो कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रहे सर, वो कम्प्लीटली गलत है सर। दिल्ली पुलिस ने सर मुझे खुद बोला था कि यू आर टेररिस्ट, यू आर नॉट स्टूडेंट, वो मुझे डिटेन करने की कोशिश किया तो मैं वहाँ से भागा था। अरे इसका इसका जावेद जावेद इनसे जरा पूछिए, ये कहाँ पढ़ते हैं, क्या ये जामिया में पढ़ते हैं? जावेद पूछिए इनसे, क्या ये जामिया में पढ़ते हैं, क्या इनके पास आई कार्ड है? जावेद इनसे पूछे क्या ये जामिया के स्टूडेंट हैं? ये एमए के, आप एमए के स्टूडेंट हैं? सर जो यहाँ पे हुआ था उस दिन जो वॉयलेंस हुआ था सर, उसमें जामिया के स्टूडेंट नहीं थे, आउटसाइडर थे जो बाहरी थे। हाँ सर, मेरे पास अभी आई कार्ड है सर। देखिए आनंद, ये भगवंत है, भगवंत शरण जो कि यहाँ के एमए के स्टूडेंट हैं, ये इनका कार्ड है और ये बिल्कुल जो पुलिस का पक्ष है उसके खिलाफ कह रहे हैं। पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की और तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको उनका यही कहना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों से भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आप बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं, आज फिर चुके हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं आप? वी वांट जस्टिस, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें अपने प्रोटेस्ट की होनी मिल जाएगी। आप स्टूडेंट हैं या कहाँ से आए? मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ यहाँ की और जामिया नगर में ही रहती हूँ, और यहाँ पे जो लड़कियों को घसीट घसीट के पुलिस वालों ने मारा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और हम NRC यहाँ पे नहीं लागू होने देंगे। ये देश सबका है, इसे बांटे ना, और RSS की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी शाह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए यहाँ एलुमनी भी पहुंचे हैं और यहाँ नहीं, पर क्या जावेद क्या एलुमनी समझ रहे हैं कि नागरिकता संशोधन बिल का भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है? ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये पुलिस की बर्बरता पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में हूँ, मैं लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ यहाँ, टर्किश लैंग्वेज मैंने यहाँ से किया है। क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन किन मांगों को? सॉरी, किन किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारा सबसे पहला मांग है, जो हम पे अत्याचार हुआ है, ये जो गुंडागर्दी चलाई गई, मारे गए लाठे डंडों से, उसमें कड़ी से कड़ी जांच हो, ठीक है? तो ये जांच की मांग यहाँ कर रहे हैं, तो तस्वीरों में देख सकते हैं भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ गई है आनंद, और ये प्रोटेस्ट का रविवार भीड़ तो बढ़ गई है, भीड़ तो बढ़ गई है जावेद, लेकिन कहीं इनको क्या पता है कि ये किस विषय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ये पुलिस की बर्बरता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या NRC जो अब तक लागू नहीं हुई उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई अलग अलग बातें बता रहा है, इनका मेन मुद्दा क्या है? जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आनंद, यहाँ पर दो चीजें हैं। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, सीएबी और एनआरसी दोनों को जोड़कर हुआ था, उसके बाद यहाँ झड़प हुई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस कैंपस में घुसी, छात्रों पर कार्रवाई की। हमने कैंपस के अंदर, हम भी गए थे वहाँ पर, लाइब्रेरी में टियर शेल का इस्तेमाल किया, शीशे वहाँ पर टूटे हुए थे। तो दोनों पर इनका प्रोटेस्ट हो रहा, हम इनसे भी रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए कि आपका प्रोटेस्ट जो है किन किन चीजों के लिए हो रहा है? सीएबी एनआरसी के भी खिलाफ है या छात्रों पर जो कार्रवाई उसके खिलाफ है? सर, हमारा जो पहला छात्रों पे भी पहला जो प्रोटेस्ट था हमारा, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी में प्रोटेस्ट हो रहा था, जामिया का इतिहास सर कोई वॉयलेंस नहीं अभी तक प्रोटेस्ट के अंदर। और जो हमारा अभी से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जो छात्रों पर जो हुआ था बर्बरता, दिल्ली पुलिस ने की है, दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए सर। ये बताइए कि आप इस टाइम पर आप कहां से आए हैं, आप यहां पर पहुंचे? मैं फजल से आया हूं, फ्राइडे की रात में पुलिस वालों ने, मैं पंजाब से। आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें? सीएबी और मेरे बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जामिया में जो जुल्म हुआ मेरी बहन बेटियों के साथ में, उसके खिलाफ। कौन पढ़ता है आपका यहाँ पर? मेरा बेटा पढ़ चुका है और जो भी पढ़ रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ कि इन्होंने पुलिस ने इतना कुत्तापन क्यों दिखाया है। देखिए, स्थानीय जो लोग हैं वो भी इनके समर्थन में उतरे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। जो छात्राएं हैं वो इसको लीड कर रही हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर अलग अलग नारों के साथ वो प्ले कार्ड्स छात्राओं ने लिए। इनसे बात करते हैं कि आखिर आए कहाँ से हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यही पढ़ते हैं? कहाँ से आए? यही पढ़ती हूं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट क्लास में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपने लिखा है सेव ह्यूमैनिटी, ये क्यों लिखना पड़ा? जिस तरीके से हम बच्चों को यहाँ मारा गया है, उस प्रोटेस्ट में हमें हॉस्पिटल में छुपना पड़ा। रविवार को थे आप यहाँ पर? जी, मैं भी थी यहाँ पर। हॉस्पिटल में छुपना पड़ा, रात के 12-1 बजे हम अपने घर पहुँचे। इनको पूछिए जावेद की, अचानक इनकी प्रोटेस्ट जो है हिंसक कैसे हो गई? इनकी जो पीसफुल प्रोटेस्ट थी वो अचानक हिंसक कैसे हो गई? अगर ये लोग वहां रविवार को मौजूद थे तो अचानक हिंसक कैसे हो गई? हिंसा किसने किया? बसों में आग लगाई किसने? अपनी बहन के समर्थन में आए। तो देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, अपनों को समर्थन देने के लिए भी आए। जी जावेद, आपके बीच बहुत शोर है, मैं थोड़ी देर बाद फिर आपकी ओर रुक करना चाहूंगा। जानने की जरूरत है कि जामिया के इन स्टूडेंट्स की अगर प्रोटेस्ट इतने एकदम पीसफुल चल रही थी जैसा अभी वो कर रहे हैं, तो हिंसा किसने किया? कौन थे ये उपद्रवी तत्व जो कैसे कैसे घुल मिल गए? और अगर जामिया के स्टूडेंट्स इनको पहचानते हैं तो इन्होंने अब तक उनकी शिनाख्त क्यों नहीं कराई? पुलिस की मदद क्यों नहीं की? और दूसरी बात, अगर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस ने क्या बर्बरता की कैंपस के अंदर? क्योंकि आरोप कई सारे लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप। अब इस बीच जामिया में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जामिया में हिंसा के दौरान कई असामाजिक तत्व भी सक्रिय थे जिनका यूनिवर्सिटी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। ऐसे तत्व हिंसा के दौरान बेहद सक्रिय थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसे उपद्रवी तत्व 40 से 50 की तादाद में मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि ऐसे लोगों ने हिंसा को भड़काने का काम किया। जांच एजेंसी जामिया सहित देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल खराब होने के पीछे विदेशी तत्वों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मैं लोगों से जो भी है सभी लोगों से यही बोलता हूँ, देश में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ये कैब कोई मजहब के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो 2014 से पहले कुछ देशों से जो लोग भारत में आए, वो लोगों को सिटीजनशिप देने का काम है, मगर कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मजहब के खिलाफ, कोई रिलीजन के खिलाफ, कोई कास्ट के खिलाफ ये कानून नहीं है। ये लोग समझना चाहिए क्यों कर रहे, क्या कर रहे, करने से पहले सोच के करना चाहिए। देश में अनवांटेड इंसिडेंट्स भड़काने के लिए प्रयास करें, कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ मुख्यमंत्री भी गलत स्टेटमेंट दे रहे, मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। अब खबर है कि एजेंसियों ने पाकिस्तान की 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जो नागरिकता संशोधन कानून पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन होम मिनिस्ट्री को सौंपी गई रिपोर्ट पर अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, जो प्राथमिक रिपोर्ट दी गई उस पर क्या क्या जांच है? कहीं स्टूडेंट्स का रोल बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स को क्लीन चिट दे दिया गया है, या अभी कहा जा रहा है कि जितना उपद्रव हुआ, जितना भी हिंसा की घटनाएं हुई, इसमें ये 40 से 50 बाहरी उपद्रवी तत्व इनका हाथ है?
देखिए ये रिपोर्ट नहीं, प्रारंभिक जानकारी है जो कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर गृह मंत्रालय को दी है। और अगर सारांश इस जानकारी का यही है कि सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काने का काम किया जा रहा है, जिसमें बाहरी तत्व है और विदेशी जो ताकतें हैं वो इसमें मदद कर रही हैं, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। ये इस जानकारी का सारांश है। और क्यों ये ऐसा कह रही हैं एजेंसियां, उसके पीछे इनकी वजह है। जो एविडेंस उन्होंने यहाँ से कलेक्ट किए हैं उसके मुताबिक जो वीडियो फुटेजेस से जिस तरीके के लोग यहाँ पर आए थे उनमें से किसी का भी जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे किसी का भी नाम नहीं शामिल था जामिया के करिकुलम में। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक 10 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, 50 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और जिनका कभी भी यहाँ पर जामिया के छात्र जीवन से या जामिया की गतिविधियों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो इस जानकारी में प्रारंभिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अमिताभ बने रहिए मेरे साथ, और मैं अमिताभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और आप दोनों के बीच ज़रा इस पर थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। अमिताभ, एक और बात यह है कि कई सारे वीडियोज निकले हैं जहाँ स्टूडेंट्स ने कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर कैंपस के अंदर बर्बरता की। उन्होंने कैंटीन में जाकर तोड़फोड़ की, कुछ लोग मस्जिदों में थे, वहां पर एक छोटी सी मस्जिद है उसके अंदर थे, वहां पर घुसकर पुलिस ने वहां पर सख्ती दिखाई, स्टूडेंट्स जो महिला छात्राएं हैं गर्ल स्टूडेंट्स उनके साथ भी सख्ती दिखाई। इन सब वीडियोस पर क्या प्रतिक्रिया है सरकार की, क्या इस पर भी इंक्वायरी हो रही है, क्या पुलिस ने भी कुछ ज्यादा ही हाथ चलाया अपने? देखिए आनंद, दो चीज़ें साफ है। अगर आरोप छात्र लगा रहे हैं तो गड़बड़ी सड़क पे वो भी उतरे थे, और सरकार और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि अगर जो निशाना बनाया गया है उपद्रवी तत्वों के द्वारा वो ज़्यादातर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि सरकारी बसों को तोड़ा गया है, सरकारी बसों में आग लगाई गई है। तो सुनियोजित तरीके से जो सड़क पर उपद्रवी उतरे हैं उनकी फेर में थोड़ी बहुत हाथापाई हो गई होगी। इसके बारे में होम मंत्रालय इसके बारे में लगातार इस पर अपनी निगाह रखे हुए हैं आनंद। और जहाँ तक सीए जो एक्ट की बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात है, इसके बारे में प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर चुके हैं, सबको संयम रखने की सलाह दे चुके हैं। दूसरा, इसके बारे में कई मिथ हैं आनंद, कई मिथ हैं जिसको दूर करने की कोशिश सरकार पॉइंट बाय पॉइंट कर रही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा इसके बारे में गलत दुष्प्रचार हो रहा है। तो सरकार भी धीरे धीरे इसके बारे में पॉजिटिव प्रचार करने की तैयारी में लग गई है। सबसे बड़ी बात अमिताभ, अगर आप देखें तो अभी जावेद वहां पर जामिया के बाहर जो प्रोटेस्ट हैं उन प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे और वही कंफ्यूज लग रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम एनआरसी के खिलाफ है क्योंकि ये देश के लोगों के खिलाफ है। सीए भी कहां पे किसी देशवासी किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ है। बिल्कुल, ये जो कंफ्यूजन है इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। बिल्कुल, सरकार ने पहले दिन ही जब उपद्रव जब नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था ना, तभी सरकार ने एक मिथ और रियलिटी के करके एक उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसे देश के कोने कोने में बंटवाया था। पूरी की पूरी बीजेपी को मैं बता दूं आनंद कि पूरी की पूरी बीजेपी इस मिथ को तोड़ने में लग गई है। देश के 5 बड़े शहरों में बीजेपी अपनी कार्यशाला और पाठशाला लगाने जा रही है जो कि 15 तारीख से शुरू हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर में भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में भी होगा। इसमें जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता जाएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है सीएए को लेकर जनता में जो भी अनसुलझी पहली उसको दूर करने की, लेकिन बीजेपी की भी तरफ से ये कोशिश अब शुरू हो चुकी है कि जनता के बीच जो मिथ है, जो दुविधा है इसको लेकर, उसको कैसे दूर किया जाए, जबकि सरकार बार बार बोल रही है ये किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। जी चलिए, अब इस पहलू पर भी थोड़ा बात करते हैं अमित पांडे के साथ। की खबर है कि एजेंसियों ने पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जो नागरिकता संशोधन कानून पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनमें पाकिस्तान की कुछ जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं जो भड़काऊ मैसेज शेयर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में ऐसे लोग काफी सक्रिय हो गए। अब इनके खिलाफ कैसे निपटा जा रहा है अमित, क्योंकि जिस तरह के वीडियो आए हैं जो ये छात्र और जो ये लोग गुंडाई तत्व जो है जो उपद्रव मचा रहे हैं उनकी तरफ से जो नारेबाजी हुई है और छात्र प्रोटेस्ट में भी कुछ तरह की जो नारेबाजी हुई है, इस पर भी तवज्जो दे रही है सरकार कि कौन करा रहा है ऐसी नारेबाजी, कौन करा रहा है ऐसा प्रोपेगेंडा? जी बिल्कुल, इस बात की ओर से तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इस प्रोटेस्ट में विदेशी की ताकतों का तो हाथ नहीं है, और क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और एजेंसियां कर रही है। लेकिन आनंद, अगर आप एक चीज़ याद रखें, करीब कुछ महीनों पहले जब कश्मीर से संबंधित जब धारा 370 हटाने का यहाँ पर फैसला लिया गया था, तब भी इस तरीके का फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाया गया था और उसमें भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडलर्स की यहाँ पर सक्रियता सामने आई।
आई थी तब सरकार ने बकायदा एक सेल गठित किया था और बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बकायदा मॉनिटरिंग की गई थी। ठीक उसी पैटर्न पर इस वक्त फिलहाल 2-3 दिनों में जो चीज़ों को वायरल करने की कोशिश की गई है संवेदनशील वीडियो, ठीक वैसा ही ट्रेंड यहां पर सामने आया है। तो एक योजना बनाई गई है गृह मंत्रालय की ओर से लगातार ऐसे संवेदनशील व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया हैंडल्स पर नज़र रखी जा रही है और उनकी उनको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। जी अब हम आपको दिखाते हैं कि जामिया में हिंसा शुरू होने से पहले किस तरह दिल्ली पुलिस छात्रों और वहां मौजूद लोगों से शांति और संयम बनाने की अपील कर रही थी। ये वीडियो 15 दिसंबर यानी रविवार का है। जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 6 के बाहर ज्वाइंट सीपी साउथ देवेश श्रीवास्तव उस वक्त छात्रों से किस तरह अपील कर रहे थे आप भी देखिए, आप भी सुनिए। बच्चों ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ, बच्चों आप लोग बाहर नहीं निकले, बच्चों पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके, बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग अपना अंदर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल पत्थर नहीं चलाए, ट्यूब और ये बोतलें नहीं मारे। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, मैं आप लोगों से बेटा ये गुजारिश करता हूँ, मैं 6 नंबर गेट के सामने आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो पत्थर आप लोग चला रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपके प्रॉक्टर, आपके जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन सबसे हमारी बात हो रही है, आप लोग भी अमन अमान रखिए। जो बच्चे बाहर आए हुए हैं मैं कहूँगा कि ये अंदर जाएं, ये पत्थर बेटा बिल्कुल नहीं चलाएं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुँचे हुए हैं और जो पत्थर ट्यूब और ये बम पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बाहर निकले, आपके नुमाइंदे बाहर आए और हमसे बात करें। अब जावेद मंसूरी की ओर रुख करते हैं। जावेद, कुछ लोग जो वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को, उनसे ये बात पूछने की जरूरत है कि अगर रविवार शाम को करीब 6 बजे गेट नंबर 6, 7 और 8 के सामने दिल्ली पुलिस ये अपील कर रही थी और हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि गेट के अंदर से पथराव हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अभी तक उन लोगों की शिनाख्त क्यों नहीं की जो पथराव कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया, बसें जलाई, तोड़फोड़ की? वो कौन थे जिन्होंने 30 से ज्यादा पुलिस वालों को भी मारा? जामिया के गेट के बाहर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये बताइए आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? जी मैं एमएससी से हूँ यहाँ पर। ये आप पुलिस जो कह रही है उसका पक्ष ये है पुलिस का कि 6 और 7 के बीच में गेट नंबर 6-7 के बीच में उसने अनाउंसमेंट किया था, वो लोगों को पकड़ना चाहती थी जिसने आगजनी की, पथराव किया, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा हुआ था, हम लोग उस रोड पे इस गेट के अंदर और उस गेट के अंदर दोनों गेट बंद थे, पीछे से जो पुलिस खड़ेलते हुए लोगों को आ रही थी और वो जो बम था जो बहुत तेज पटकता था वो यहाँ पे उन्होंने छोड़े और बच्चा लोग सब इधर था और उधर था, पहले यहाँ का गेट। जावेद ये उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कौन थे जो पुलिस पर गेट के अंदर से पथराव कर रहे थे, उसके बाद ये गेट खोला, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बसों को किसने आग लगाई, किसने बसों को तोड़ा? आए थे जो बाहर के अंदर कैंपस में दाखिल हो गए थे क्योंकि उस वक्त झड़प हिंसक हो गई थी, कुछ ऐसे भी तत्व थे जो बाहर के आगे जो बस तोड़ रहे थे आग? झड़प हिंसक नहीं हुई थी और कोई भी बंदा स्टूडेंट के अलावा कोई भी बाहर का बच्चा जाने के कैंपस में नहीं था क्योंकि गार्ड यहाँ पे मौजूद थे, 10 गार्ड उस मौजूद थे और उन लोगों ने गार्ड को भी नहीं बख्शा, गार्ड के दो लोग। तो अगर गार्ड अंदर मौजूद थे जावेद तो कैंपस के अंदर से पत्थर कौन फेंक रहा था? हम यहाँ पर स्टाफ से बात, तो कैंपस के अंदर से पत्थर कौन फेंक रहा था? कैंपस के अंदर से पत्थर फेंके? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बच्चों का एग्जाम था, पत्थर कहाँ फेंकेंगे, कल उनका एग्जाम होने वाला था वो पत्थर कहाँ फेंकेंगे, अंदर वो अपनी पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे थे, आपके पास वीडियो है आप देख सकते हैं बच्चों और लड़कियों को कैसे। वीडियो देख कर ही हम पूछ रहे हैं जावेद, पुलिस हर किस झूठी बात कर रही है, हर वीडियो देख कर ही हम पूछ रहे हैं, ये इसको मतलब इस चीज को कॉमनलाइज करने के लिए इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है कि जामिया के ऊपर डंडा बरसाया गया, जामिया के अंदर ही पुलिस क्यों घुसी?
देखिए आनंद, ये छात्र हैं यहाँ के, ये पूरी तरह से जो पुलिस की तैयारी है उसको उसके खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए छात्रों के साथ साथ जो लोग हैं स्थानीय हो या छात्रों के रिश्तेदार हो, दोनों जो मुद्दे हैं सीएबी एनआरसी और साथ ही जो पुलिस की कार्रवाई कैंपस के अंदर हुई वहाँ पर यहाँ जुटे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं? जामिया की हूँ, जामिया से ही मैंने जर्नलिज्म किया है। आज हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, खिलाफ जस्टिस होना चाहिए हमारे साथ, फ्रीडम ऑफ राइट, हमारा फ्रीडम है, राइट तो है। लेकिन जावेद, इनसे पूछिए, क्या जो बसें जली हैं उसमें कोई जस्टिस नहीं होना चाहिए? वो घुसे थे, उनको निकाल, लोग नहीं थे, सब यही के लोग थे और अभी भी कल भी लाइब्रेरी से। तो बताइए कि ये बसें किसने जलाई, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बसें किसने जलाई, सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ दो ऐसे नारे कौन लगा रहा था? इनको पूछिए ना, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए, क्या उनकी शिनाख्त नहीं होनी चाहिए? कैंपस में हुआ वो तो पुलिस पर आप आरोप लगा रहे, लेकिन बाहर जो रविवार को हुआ तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है, जो हकीकत है सारी दुनिया के सामने आ चुका, इंडिया से बाहर हर चीज वायरल हो चुकी है सर, कोई नहीं है, सब कुछ देख लिया पुलिस की तानाशाही। ये हम पूछ रहे हैं, इस दिन लाइब्रेरी के अंदर जो तांडव मचाया है इस पुलिस ने, शिक्षा के मंदिर को तोड़ दिया है, शिक्षा के। अब उनको पूछिए उस लाइब्रेरी में कौन भाग के गया था, क्या यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स थे? लेकिन बसें जो जली, पत्थर से बसें टूटी, उसमें आपका क्या कहना है? बसें जो पुलिस चलाई है, आप गैलन देख सकते हैं, गैलन आप बाकायदा देख सकते हैं, पुलिस उसमें पेट्रोल डाल रही है, पहले उसने बस जलाई है, फिर सारा तांडव खुद रोड मैप तैयार करके फिर हम। ये जो वीडियो है इसमें एक भी पुलिस वाला नहीं है, ये वो है जो छात्र बनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बसें तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ दो। छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोग भी हैं जी, उनके समर्थन में उतरे वो यहाँ पर है जी। जावेद बहुत बहुत धन्यवाद। अब अमिताभ, आप देख रहे हैं कि नीचे वहां जामिया में क्या हो रहा है, वहां पर एक महिला कहती है पूरे विदेश में ये वायरल हो चुका है। क्या वायरल हो चुका है अमिताभ? इनमें से किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने वालों को हम नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये देखिए वीडियोस, इसमें कोई पुलिस वाला लग रहा है कि ये सब जो छात्र बन के तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो जिस तरह की नारेबाजी कर रहा था, जामिया के किसी भी स्टूडेंट या एलुमनस ने आज तक, जो पूरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आगे आकर ये क्यों नहीं कहा कि जो उपद्रवी तत्व थे, 40-50 जो भी थे, वो अगर हमारे प्रोटेस्ट में घुसे, हमारे कैंपस में घुसे, वो गलत था, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों उनकी बात नहीं कर रहे हैं? ये जो तोड़फोड़ हुई, ये जो हिंसा हुई, ये तो पहले हुई। और जो पुलिस ने जब वार्निंग दी, हमने वो वीडियो दिखाया अमिताभ, उस वीडियो में जब पुलिस इंस्पेक्टर बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि पत्थर मत फेंकिए, कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट मत फेंकिए, फिर भी अंदर से फेंका जा रहा है, ये कैंपस के अंदर से कौन फेंक रहा था, ये इसकी भी तो जवाबदारी कोई लेगा? देखिए आनंद, एक चीज तो साफ है कि छात्र जो जीवन होता है बड़ा उग्र स्वभाव का होता है, ऐसे में उसमें अगर उपद्रवी तत्व घुस जाए और एक आध ईंट पत्थर फेंक दे तो पूरे के पूरे छात्र उसमें उत्तेजित हो जाते हैं और हंगामा लगातार चलता रहता है। हम लोगों ने भी छात्र जीवन में ये देखा है। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में बात फैलाई गई, तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है ये अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, साफ साफ नाम लेकर कहा गया है, जबकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि सिर्फ 3 देशों से आने वाले शरणार्थियों को यहाँ पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन 3 देशों में मुस्लिम। भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ ये एक्ट नहीं है, ये भारत के बाहर के मूल के हैं उनके लिए है। लेकिन चलिए उस पर बात करेंगे, न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, नागरिकता बिल को लेकर देश के कई यूनिवर्सिटी में फैली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट जाएं। एहतसाम जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ट्रायल कोर्ट नहीं है, देश के जो जो राज्य है वहां के हाईकोर्ट में जाइए और वहां पर आप इंसाफ की बात कीजिए और वहां पर आप अपने तथ्य रखिए। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें यही कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मामला आया था उसमें जामिया और एएमयू का मामला उठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट हैं इन राज्यों में वहां पर जाकर याचिकाकर्ता अपनी बात कह सकते हैं, और ऑर्डर में ये भी लिखवाया गया है कि हाईकोर्ट में जब ये अर्जी दाखिल हो तो हाईकोर्ट ये कंसिडर कर सकता है कि क्या किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की जरूरत है, और अगर है तो उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है, उनको शामिल करके एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का ग्रीवांस यहाँ पर पिटिशनर्स लेके आए हैं कि वाइस चांसलर की बात को इग्नोर किया गया और भी बहुत सारे वायलेशन हुए हैं, तो ये जो हाईकोर्ट है
चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो एएमयू के मामले में, तो उनको रेफर कर दिया गया है ये मामला कि अब वहाँ पे ये मामले चलेंगे और जो भी याचिकाकर्ता है वो वहाँ जाकर अपनी अर्जी दे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चीफ जस्टिस जो वहाँ के हैं वो इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे कि क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है या नहीं। एहतशाम धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो देश की उच्च न्यायालय ने कहा है कि देखिए आप हाईकोर्ट जाइए, वहाँ पर अगर हाईकोर्ट को स्वतंत्रता है कि वो कैसे निर्णय ले, उम्मीद है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे जो एक एब्सोल्युटली इम्पार्शल होगी और पूरी तरह से पूरे कानून के खिलाफ जिस तरह की हिंसा और उग्र विरोध की तस्वीरें आई हैं उनमें सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने 4 DTC बसों को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा 100 निजी वाहनों और 10 पुलिस की बाइकों को जलाकर राख कर दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी वाहन जलाने के साथ 3 रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी खूब तोड़फोड़ की गई। विडंबना यह है कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी का निर्माण पब्लिक के पैसे से ही होता है, पब्लिक ही इसे नुकसान पहुंचाती है और फिर उसकी जवाबदेही भी किसी की नहीं होती है। ऐसे मामलों में दोष साबित करने की दर महज 29.8% यानी 30% से भी कम है। इससे जाहिर ये होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से पहले कोई क्यों कुछ नहीं सोचता। साल 2017 में आखिर तक ऐसे मामलों के 14,876 केसेस जो हैं देश के कई अदालतों के सामने अभी भी पेंडिंग हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे केसों में सबसे आगे है। अकेले इन 3 राज्यों में करीब 6,300 केस पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने से की पेंडिंग है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और इसकी रोकथाम अधिनियम 1984 को पहली बार हिंसक आंदोलन के बाद लाया गया था। इसमें आगजनी और हिंसक प्रदर्शन के दोषियों को 6 से 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद इस कानून में संशोधन किया गया। इसके तहत यदि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ये साबित कर देता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान उसकी जानकारी के बगैर हुआ है तो उसे इसमें छूट मिल सकती है। देखिए जो हिंसा हुई है, सबसे पहले हिंसा क्यों हुई है, हिंसा को जिम्मेदार कौन है, उस बारे में देखना होगा। ये एक्सपेक्टेड था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आने के बाद देश के कुछ हिस्से में इस प्रकार की हिंसा होगी, ये एक्सपेक्टेड था। मैं मानता हूँ जो चल रहा है देश में वो देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ बढ़ते विरोध पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चिंता जताई है। सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाए जाने पर भी वेंकैया नायडू ने आपत्ति जताई। If you are destroying means you are destroying the nation's wealth. The other day, some public transport has been destroyed. Who are the losers? After the people, the country. So while agitating for our cause, one must be systematic. One must keep in mind it should not become destructive, and it should not create any violence. Violence. वेंकैया नायडू का कहना भी सही है और जो आंकड़े हमें बताते हैं हमारी टैक्स का पैसा, हमारी ही संपत्ति, इसी को हमारे ही लोग, हमारे ही बीच के लोग अगर इस पर तहस नहस और इसको जला दें, उसको खराब कर दें तो फिर क्या फायदा। अनुराग डांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट इस बात को संज्ञान में ले, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हर कोई जो जिन जिन राज्यों में हाईकोर्ट है वहां के आप दरवाजे खटखटाएं, वो इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनुराग कि जो लोग वहां नारेबाजी कर भारत सरकार और कहते हैं सरकारी प्रॉपर्टी को तहस नहस करो, उसको तोड़ दो, क्या वो ये भूल गए कि ये उनके टैक्स के पैसे से बनी हुई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनकी सहूलियत के लिए हुई थी ये? और इस बात को लेकर बिल्कुल उससे और इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता भी जाहिर की। आज जब सुनवाई हो रही थी और जब स्टूडेंट्स के लॉयर्स ने अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह सवाल किया कि जो बसें जलाई गई उसके बारे में क्या कहना है, वो स्थिति भी स्पष्ट की जाए। और चीफ जस्टिस ने साथ में ये भी कहा कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था तो एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, आगजनी होती रहेगी, तो फिर हम इस मामले को नहीं सुन पाएंगे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया कि ये बिल्कुल गलत है, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
और साथ ही साथ इस मामले में इंटरवीन करने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कहा है कि अपने अपने जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जाएं और अलग अलग इन मामलों की जुडिशियल इंक्वायरी से भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उन्हें ठीक लगता है वैसे कमीशंस बना सकते हैं जो कि इन मामलों में अलग अलग तरीके से जांच करें। तो ये रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपना साफ किया। जहां तक पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है, 10 लोगों को चिन्हित किया भी जा चुका है, एंटी सोशल एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर किसी प्रोटेस्ट में ऐसे लोग शामिल होकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो न सिर्फ पब्लिक का नुकसान होता है बल्कि वो प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाता है उसी दिन। वो एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं रहता और लोगों का समर्थन भी इस तरह के प्रोटेस्ट को नहीं रहता। बिल्कुल सही अनुराग। और जामिया के बाहर प्रदर्शनकारियों से मेरा यही सवाल है कि ठीक है पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएबी और एनआरसी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने आपकी जो गांधीयन प्रोटेस्ट है उसको हिंसक बनाया? उनके खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे, उनके खिलाफ आप क्यों कुछ नहीं कह रहे? ये मेरा सवाल आज भी है और अभी भी है अखाड़ा में। छात्र हंगामे पर उतारू हैं लेकिन हंगामा करने वालों से शांत रहने की अपील करने के बजाय माहौल को गर्म रखने की कोशिश हो रही है। देखिए सवाल उठता है कि क्या जामिया की आग में कहीं नेता सियासी रोटी सेकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार नहीं केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, तो ये होम मिनिस्ट्री जो देश की होम मिनिस्ट्री है उनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि ये सिर्फ इलेक्शन और पूरे प्रचार में ही ये सरकार रहती है, उनको आज आम आदमी के साथ खड़े रहने के लिए वक्त नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने लाठी चार्ज किया कैसे। मैं देख रही थी टीवी पे पुलिस हाथ में डंडा लेके तोड़ कर रहे थे, मोटरसाइकिल्स पे अटैक कर रहे थे, ये मैंने तो पहले आज तक कभी नहीं देखा। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या सुप्रिया जी आपसे निवेदन है, आपने ये तस्वीरें नहीं देखी जहां पर लोग उपद्रवी तत्व इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं और कैंपस के अंदर से पथराव कर रहे हैं? ये तस्वीरें आपसे क्यों चूक गईं, क्यों सियासत हो रही है इस पर, क्या ये सवाल पूछना जायज नहीं? हिंसा पर जारी हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड की एक रैली में छात्रों से नागरिकता संशोधन कानून को समझने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। इस मंच से मैं विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभ्यास करिए, इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश के अंदर हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज अनुराग सरकार के पास ये है कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इसको कैसे वो दूर करें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी की भी नागरिकता को छीनने की बात है ही नहीं, कह रहे हैं सही अमित शाह, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे? जामिया के बाहर आज भी लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो यही बात कह रहे हैं बार बार। देखिए बिल्कुल इस चुनौती को तो टैकल करना होगा सरकार को और इसके लिए एक बड़ा कैंपेन भी चलाना होगा, जिसकी बात अमिताभ जी आपसे कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि जगह जगह पर इस तरीके के सेमिनार्स किए जाएं, लोगों को समझाया जाए। और जिस तरीके से गृहमंत्री ने रैली में जिस तरीके से संबोधन किया वो पूरा देश उसको देख रहा है, तो इस तरीके के बयानों की सेमिनारों की और ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा लोगों को समझाया जा सके इस एक्ट के बारे में उतना सहूलियत कम से कम इस बात की रहेगी कि अगर उसके बावजूद कोई विरोध करता है, उस पॉइंट पर विरोध करता है, तो वो उसका विरोध अपनी जगह पर सही है, लेकिन कम से कम लोगों को ये समझ में आए कि इससे नागरिकता जाएगी या नहीं जाएगी और असलियत में ये एक्ट कर क्या रहा है। जी।